शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वैग को डाउन किया था, फिनिश करने की कोशिश जारी है। एम रॉकी डाउन और एम की स्क्वाड में भी इसी के साथ एलिमिनेट हो जाएगी। टीम आईडी की बात करें, वो भी ऊपर के साथ है। मॉर्टल पूरी तरीके से स्पॉट कर चुके हैं चांस को, देखते हैं हेडशॉट पड़ सकता है नहीं। बीच में दूसरे मेंबर की गन आ रही है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 8-7 हेडशॉट पर क्लोक का डाउन, एजी प्लेस उनके बाहर डाउन फिनिश हो गए। एडवर्ट यश की बात करें, वो भी डाउन हो गए। 7 भी डाउन, 8 स्क्वाड इसी के साथ मुझे लगता है एलिमिनेट हो चुके हैं। 9 टीम 29 मेंबर्स अभी भी जिंदा है। मर्सी भी डाउन क्लोक के द्वारा, एंड स्पॉट सामने है। थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने दिए थे बट अभी के लिए हील्स वगैरह करेंगे। एंड स्पॉट जोन के बाहर है, उनको जोन के अंदर आना पड़ेगा। सोल जोन के एज पे बाकी सारे मेंबर्स शॉट्स ले रहे हैं। कोई और का शॉट ले रहा है, एस्टेक के आरबी नॉट ओपी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मन क्लॉक की बात होगी, एक का फ्लेयर ड्रॉप। आईएनडी एक बार फिर से डबल बीआरडीएम मंगाते हुए, आईएनडी पे इतने सारे फ्लेयर आते कैसे हैं। एक बार फिर से आईएनडी स्क्वाड जो है वो डबल बीआरडीएम लेके चलेगी। पिछले मैच की तरह इस बार भी हमें एक फनी एंडिंग देखने को मिल सकती है। सोल डगल टू मॉडल अभी भी शॉट दे रहे हैं, आरबी नॉट ओपी पीछे से सैंडविच कर सकते हैं सोल स्क्वाड को। मेगा ऑन फोर की बात करें, काफी ज्यादा क्लोज है उनके। लेक्सटन की स्क्वाड भी मुझे काफी ज्यादा क्लोज दिखाई दे रही है। आरबी नॉट ओपी अभी के लिए शैक के अंदर जाएंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ऑन फोर और स्वैग की बात करें, लेक्सटन के चार के चार मेंबर ऊपर के साइड पे हैं। वाइपर पीछे के साइड पे देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं अपनी टीम को। मेगा ऑन फोर और स्वैग, आई गेस तीन मेंबर जिंदा है। यस बिल्कुल, पैराडॉक्स जो नॉकआउट हुए थे सबसे पहले वो फिनिश भी हो गए। इन के नेपेस प्लेस उनके बाहर डाउन होते हुए। लेक्सटन स्क्वाड की बात करें तो चार के चार मेंबर उनके अभी भी जिंदा है, जोन के अंदर हैं। अच्छी बात, मेगा विक्सर और स्वैग अंदर के साइड पे जा रहे हैं। बोबडो में भी स्पॉट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बट आईएनडी जो यहाँ पे डबल बीआरडीएम उन्होंने मंगाए हैं, मुझे लगता है वो डबल बीआरडीएम ही चलने पड़ेगा एक बार टीम आईएनडी पे। मुझे लगता है बीआरडीएम आ चुकी है इनकी या नहीं आई है वो देखना पड़ेगा। वीएसजी क्रॉलर्स की बात करें तो आगे के साइड पे गए हैं सोल वर्सेस वीएसजी क्रॉलर्स हो सकता है। रेगल्टोस की बात करें तो आगे के साइड पे जा चुके हैं वो। सामने के साइड पे एचपी हैं, यसबुल को शॉट मिस किया। सीजी की बात करें, दूसरे साइड पे गैसकैन सामने था, फटा वो। ओके, सामने से एक बंदा गायब हो गया। सीजी की बात करें तो अंदर के साइड पे मॉली करेंगे। सीजी पे काफी ज्यादा वो क्लोज मॉली है, शायद उनको पड़ी भी होगी। एचपी थोड़ी बहुत कम होगी। वीएसजी क्रॉलर्स की टीम रश कर चुकी है सोल पे। पीछे से आरबी नॉट ओपी जो थे वो सैंडविच कर सकते हैं। वीएसजी क्रॉलर्स के एचपी अभी के लिए फंस गए, अंदर के साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे मेंबर्स डाउन करेंगे एचपी को, पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश होगी। सामने साइड से सीजी भी आते हुए, आगे की बात करें वो भी उसी लेके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रगल क्रॉस डाउन और दो मेंबर्स डाउन हो चुके हैं यहाँ पे सोल के। मॉडल भी डाउन हो चुके हैं, बाकी सारे मेंबर्स को कवर देना पड़ेगा। अकेले बचे हुए अभी, जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा उनको। अभी ऊपर की साइड पे MK14 है अमन के पास, एचपी काफी ज्यादा कम है यहाँ पे। अभी की पूरी तरीके से फिनिश करेंगे और अपने चार के चार मेंबर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित करेंगे। रेगल्टोस की एचपी काफी ज्यादा कम है, जल्दी ही पकड़ना पड़ेगा उनको। मॉर्टल भी रिवाइव हो जाएंगे, चार किल्स अपने नाम किए सोल ने। वीएससी क्रॉलर्स का पुश अच्छा था बट अभी के लिए एलिमिनेट होते हुए। एस्टेक स्पोर्ट्स के आरबी नॉट ओपी की बात करें, अभी भी वो वहीं बैठे हुए, उन्होंने थर्ड पार्टी किया नहीं। मुझे लगा था वो थर्ड पार्टी करेंगे बट बिल्कुल एकदम सावधानी से बैठे थे, वो निकले नहीं वहां से अपनी जगह से। इतनी सारी फाइट हो गई बट फिर भी अभी भी सांप बने हुए। 6 किल्स अपनी टीम के लिए बनाए इन्होंने, 5 किल अपने नाम किए। यूमी के किकी ओपी डाउन होते हुए क्लोक के द्वारा फिनिश भी हुए। एस्टेक की बात करें, आरबी नॉट ओपी अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। यूमी के आईडी एंड डाउन होते हुए लीजन के द्वारा, बाकी एस्टेक आरबी नॉट ओपी डैमेज काफी ज्यादा ले चुके हैं। मॉर्टल और बाकी सारे मेंबर रश करेंगे। अमन यस बिल्कुल रश कर रहे हैं। 1v4 का सिचुएशन है आरबी नॉट ओपी के लिए। 35 एमओ है उजी के पास। मॉर्टल सामने से आएंगे और पीछे से वाइपर किल कंफर्म करते हुए। इसी के साथ 6 टीमें 18 मेंबर अभी भी जिंदा। जोन की बात करें तो लेक्सटम केवल जोन के अंदर है, बाकी सारे मेंबर जोन के बाहर है। आईएनडी स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुके हैं। यूमी वर्सेस इनसेन काफी ज्यादा चांसेस है। 2v4 का सिचुएशन है। गोल्ड ब्लेड का वो क्लच इनसेन के अगेंस्ट ही था, मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल इनसेन के अगेंस्ट ही था वो। 1v4 पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं, अपने आप को हील करना चाहिए था। इनसेन के बाकी सारे मेंबर्स बाहर के साइड पे, फ्री फायर पूरी तरीके से यूज करते हुए। गोल्ड ब्लेड अंदर के साइड पे आएंगे और टेम्पेस्ट ने उनको फिनिश किया। फाइनली यूमी की स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए। मेगा ऑन कोर्ट डाउन होते हुए बोब डोब के द्वारा। एमआईएम क्लोक की बात करें, शॉट्स ले रहे हैं। इनसेन के लीजेंड डाउन होते हुए रेगल्टोस के द्वारा। बाकी टेम्पेस्ट और नारुतो की बात करें, क्लोक दूसरे साइड पे। जोन के अंदर केवल लेक्सटम की टीम है, बाकी कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है। सभी को जोन के अंदर मूवमेंट देना पड़ेगा। सोल स्क्वाड की बात करें, वाइपर अमन रेगल्टोस चार के चार मेंबर अभी भी जिंदा है। लेक्सटम के भी चार के चार मेंबर जिंदा है और मेगा के 3 मेंबर जिंदा है। चिकन डिनर कोई भी ले सकता है, सभी टीम्स के पास इक्वल चांसेस है लेने के लिए। बट लेक्सटम थोड़ा सा हाई रेज एडवांटेज पे बैठी हुई है। एक नेट गया ऊपर के साइड, ओके एक मॉली किया था बोथ ग्रुप ने मेगा स्पॉट पे। अभी के लिए इनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। मेगा स्क्वाड को जोन के अंदर जाना है, टीम नंबर 7 सोल को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा। मेगा के पास एक व्हीकल है, वो व्हीकल से ही गाड़ी लेकर निकल गया बट विक से डाउन होते हुए गिर के। ये थोड़ी सी गलत सिचुएशन हो सकती है मेगा स्क्वाड के लिए। ऑनकोर की बात करें तो 1 HP पे अंदर के साइड पे गए, विक से को नॉकआउट किया, पूरी तरीके से फिनिश भी किया।
जो गाड़ी से गिर के नॉक आउट हुए थे। इंसेंट की स्क्वाड रश करते हुए जोन के अंदर, इमान क्लोक जोन के अंदर है, वाइपर अभी के लिए बाहर के साइड है, इमान क्लोक शॉट दे सकते हैं, वाइपर भी शॉट दे रहे हैं, बट क्लोक पूरी तरीके से फिनिश वाइपर के द्वारा। टोटल किल्स की बात करें तो सोल के पास अच्छे खासे किल्स होंगे, इमान की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हुई, टीम नंबर 10 जोन के अंदर पहुंच चुकी है। सोल की स्क्वाड के पास 6 किल्स हैं, वाइपर के पास है 2, मॉर्टल के पास 1, रिजल्ट उसके पास 2 और अमन के पास 1। इंसेंट के 3 मेंबर्स जिंदा हैं, यस यस बिल्कुल, लीजेंड और नारुतो टेम्पेस्ट 3 मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। लेक्सम के पास इजी मौका है चिकन डिनर लेने का, सोल को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। आर्टमिस में भी स्पॉट कर सकते हैं, ओमेगा भी स्पॉट करते हैं, कर सकते हैं सोल स्क्वाड को। एक्सोनो ने स्पॉट किया भी है, यस बिल्कुल स्पॉट किया है, अमन और अगल तो जस्ट सामने के साइड पे है, बट नहीं, मेगा ऑन को डाउन होते हुए बोब डोब के द्वारा। अमन बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, यहाँ पे एक मेंबर है और नॉकआउट हो सकते हैं, बट नहीं, बढ़िया स्प्रे आता हुआ यहाँ पे अमन का, आर्टमिस को नॉकआउट किया, बोलते फिनिश भी करेंगे। अभी के लिए इनके पास काफी ज्यादा अच्छा चांस था, बट वो चांस खोया आर्टमिस ने। बोबडोप की बात करें तो ऊपर के साइड पे जस्ट है, अमन को मे बी स्पॉट कर सकते हैं वो। वाइपर की बात करें दूसरे साइड पे एक नेट किया है आर्टमिस के काफी ज्यादा क्लोज, बट बोबडोप भी डाउन होते हुए स्वैक के द्वारा काफी ज्यादा ऊपर चढ़े हुए थे वो। लेक्सम जो इसी चिकन डिनर निकाल सकती थी, बट अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल में, मॉर्टल डाउन है, रिवाइव किया जाएगा। रेगल्टोस वर्सेस ओमेगा होता हुआ 1-1 का सिचुएशन, अंदर के साइड पे गए तो फिर इसी नॉक देखने को मिल सकता है। रेगल्टोस ऊपर के साइड पे, ओमेगा काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, ओके रेगल्टोस भी काफी ज्यादा कम एचपी पे, हील करना पड़ेगा। ओमेगा भी लगभग 10-5 एचपी पे बचे हुए हैं, जैसे कि रेगल्टोस बचे हुए थे, बट अभी के लिए सारे मेंबर्स रिवाइव हो चुके हैं, मॉर्टल भी रिवाइव है। ओमेगा की बात करें अंदर के साइड पे है वो बैठे, बट अमन अंदर के साइड पे अपने एमके 14 लेके घुसे और नॉकआउट किया, पूरी तरीके से फिनिश भी करेंगे ओमेगा को। आई गेस एक बंदा केवल बचा हुआ है लेक्सम का, बाकी सारे मेंबर्स डाउन हो चुके हैं। इंसेंट के 3 के 3 मेंबर अभी भी जिंदा है, लूजर बचे हुए ऊपर के साइड पे हील बैटल कर सकते हैं। जोन के अंदर टीम नंबर 7 है, टीम नंबर 10 और टीम नंबर 21। मेगा के 2 मेंबर्स अभी भी जिंदा है, सोल के पास 8 किल्स हैं, मेगा के पास टोटल 5 किल्स हैं। जोन के अंदर निकलेंगे मेगा के बाकी सारे मेंबर्स। इंसेंट के पास अच्छा खासा, यस इंसेंट के पास भी अच्छा खासा चांस है चिकन डिनर लेने का। 3 के 3 मेंबर्स जिंदा हैं, उनके पास भी अच्छे खासे किल्स हैं, 4 किल्स उन्होंने भी बटोरे हैं। टेम्पेस्ट के पास है 2 किल्स, एक नेड आया टेम्पेस्ट के काफी ज्यादा क्लोज है, बट लीजेंड को डाउन किया वाइपर ने नेड से, और सोल की स्क्वाड यहाँ पे चिकन डिनर लेते हुए दिखाई दे सकती है कुछ क्षणों में, क्योंकि 4 मेंबर्स उनके अभी के लिए जिंदा है और जोन में है। अच्छी बात यह है कि जोन उन्हीं पे बना हुआ है, बाकी सारे मेंबर्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। वाइपर के पास एक अच्छा खासा एंगल बना हुआ है, इंसेंट स्क्वाड को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। वाइपर को अभी के लिए देखना पड़ेगा, एक मॉली करेंगे, उनको पता है इंसेंट के 3 के 3 जो मेंबर है वो वहीं पे बैठे हुए, शायद उनको मॉली पड़ भी गई है, काफी ज्यादा डैमेज भी वो ले रहे होंगे, बट लीजेंड की बात करें अभी भी जिंदा है। एक नेट करेंगे या फिर स्मोक करेंगे, ओके अभी के लिए स्मोक करेंगे। इंसेंट के मेंबर्स फंस चुके हैं, मेगा स्क्वाड की बात करें तो वो भी फंसते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर में। लूजर ऊपर के साइड पे अभी भी बैठे हुए, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं, बाकी सारे टीम्स के मेंबर्स जोन के अंदर हैं। नवा जोन इसके बाद स्टार्ट होगा, रेगल्टोस मॉर्टल अमन और वाइपर, वाइपर बाहर के साइड पे, अच्छा खासा एंगल है इनके पास। लूजर को एक बार देखते हैं, 6 किल्स हैं बोबडोप स्क्वाड के पास भी, लूजर ने अकेले 1 किल निकाला है अपनी टीम के लिए। मॉली वगैरह एकदम रैंडम चलता हुआ, हर तरफ से मॉलीज वगैरह देखने को मिल रही है। वाइपर अभी भी शॉट्स ले रहे हैं इंसेंट स्क्वाड पे, अमन की बात करें वो भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। इंसेंट के रैंडम शॉट्स चलता हुआ यहाँ पे, हर तरफ से रैंडम शॉट्स हमें देखने को मिल रहा है। अमन की बात करें वो भी दूसरे साइड पे है, लीजेंड और बाकी सारे मेंबर्स एक थोड़ा सा कोपचा है वहां पे बैठे हुए, बट अमन की बात करें तो डाउन, लूजर के द्वारा ऊपर से स्पॉट किया अमन को, नॉकआउट किया पूरी तरीके से, फिनिश किया नारुतो को, स्पॉट किया वाइपर ने, नॉकडाउन किया, फिनिश भी करेंगे। टेम्पेस्ट की बात करें वो भी डाउन और इंसेंट की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई। सोल वर्सेस मेगा होता हुआ, स्वैक की बात करें तो हील बैटल वो कर रहे हैं, कितने टाइम में हील बैटल कर सकते हैं वो पता नहीं, बट अभी के लिए सोल स्क्वाड चिकन डिनर इसी निकाल जाएगी। 4 के 4 मेंबर्स उनके जिंदा है और इसी के साथ मैच खत्म और सोल स्क्वाड चिकन डिनर निकालते हुए 12 और 13 किल्स के साथ, या फिर ओके 10 किल्स के साथ सोल स्क्वाड चिकन डिनर निकालते हुए। 8,000 वॉचिंग है, 10,000 लाइक्स प्लीज कंप्लीट कर देना। कमेंट्री स्पेक्टेटिंग पसंद आ रही है।